नमस्कार आदाब, मैं निशात और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय नीड बेस्ड हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट पायल मल्टी प्लाजा की, जहां ऑफिस स्पेस और शॉप्स अवेलेबल है, वो भी सिर्फ 11,000 रुपए स्टार्टिंग प्राइस के साथ। तो आज ही आए एक्सपर्ट डेंटल केयर। आसनसोल में खुले इस नए वॉल पेपर होलसेलर एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन। अब फेमस पैनोरमा एम्यूजमेंट पार्क है आपका अगला स्टॉपेज। पहली पसंद जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड आसनसोल। मोबाइल फर्नीचर, कंप्लीट बेडरूम सेट, रॉयल मेमोरीज, वेडिंग प्लानर एंड इवेंट्स। जीटी रोड और बाईपास सब तरफ से है पास। दीवाने खास, दीवाने खास को खास बनाती है यहाँ। ये लड़ाई है मौलाय घटक बनाम विधान उपाध्याय की लड़ाई। विधान उपाध्याय को जहाँ जहाँ लगता है मौलाय घटक के समर्थक हैं, उनको टाइट करने का प्रयास करते हैं, और मौलाय घटक को जहाँ लगता है विधान उपाध्याय के समर्थक हैं, वहाँ उनको टाइट करने का प्रयास करते हैं। ये तमाम बातें साबिक मेयर जितेंद्र तिवारी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। जितेंद्र तिवारी ने कहा कि कुछ दिन पहले जिला परिषद से एक रोड बना, उस रोड के इनॉग्रेशन में मौलाय घटक जी विधान उपाध्याय के विधानसभा में सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर खुद जाके इनॉग्रेट कर दिए, विधान उपाध्याय को नहीं बुलाए। अब विधान उपाध्याय को लगता है कि ये जो वोट बैंक है, ये मौलाय घटक का समर्थक है, लोकसभा से पहले इनको टाइट कर दो। दरअसल ये बातें जितेंद्र तिवारी ने आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिए हाटन रोड में गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ कार्रवाई के ऐलान के सिलसिले में कही। देखिए, ये लड़ाई है मौलाय घटक बनाम विधान उपाध्याय की लड़ाई। विधान उपाध्याय को जहाँ जहाँ लगता है कि मौलाय घटक के समर्थक है, वो उनको टाइट करने का प्रयास करते हैं, और मौलाय घटक को जहाँ लगता है कि विधान उपाध्याय के समर्थक है, वहाँ उनको टाइट करने का प्रयास करते हैं। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जिला परिषद से एक रोड बना, उस रोड के इनॉग्रेशन में मौलाय घटक जी विधान उपाध्याय के विधानसभा में सांसद शत्रुघ्न सिन्हा जी को लेकर खुद जाकर इनॉग्रेट कर दिए, विधान उपाध्याय को नहीं बुलाए। अब विधान उपाध्याय भी मौलाय घटक को टाइट करने के लिए, उनको लगता है कि ये जो वोट बैंक है, जो समर्थक है, ये मौलाय घटक का समर्थक है, तो लोकसभा का पहले इनको थोड़ा टाइट कर दो, तो मौलाय घटक को दर्द होगा। तो ये आपस में एक दूसरे को दर्द देने का लड़ाई हो चल रहा है, लेकिन हम कहेंगे कि आपसी लड़ाई में एक दूसरे को दर्द देने के चक्कर में आसनसोल की जनता को दर्द मत दीजिए। आसनसोल की जनता को दोनों आदमी हाथ मिलाकर रहिए और आसनसोल की जनता को खुश रखने का प्रयास कीजिए। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को धमकी के मामले में आशीष पटेल के खिलाफ थाने में शिकायत के बाद अब तक 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 2 दिन पहले 2 युवकों को गिरफ्तार के बाद कल संजय रॉय को भी गिरफ्तार किया गया, जहां कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। वहीं 2 दिन के रिमांड के बाद आज हीरापुर पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में दोबारा पेश किया। शादी ब्याह हो या पार्टी, आपके इवेंट्स को आसान और सरल बनाने के लिए आ गया है रॉयल मेमोरीज वेडिंग प्लानर एंड इवेंट्स। अब कार्ड से लेकर डेकोरेशन, कैटरिंग, लाइट, फोटोग्राफी, सभी तरह के इंतजाम एक ही छत के नीचे पाएं, तो जरूर कांटेक्ट करें। हमारा पता है बनपुर आजाद नगर, फोन करें 7872283016, 7031672748 पर।
घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्रीज, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए अपने सपनों का महल। स्टार्टिंग प्राइस ओनली ₹500। यहाँ होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का करना हो इंटीरियर डेकोरेशन तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर होलसेलर एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोर कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, थर्ड फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अगर आप खोज रहे हैं शॉप्स, तो इससे बड़ा सुनहरा मौका आपको नहीं मिलेगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं पायल मल्टी प्लाजा की, जहां ऑफिस स्पेस और शॉप्स अवेलेबल है, वो भी सिर्फ ₹11,000 स्टार्टिंग प्राइस के साथ। आसनसोल रेलवे स्टेशन के करीब स्थित पायल मल्टी प्लाजा में कई फैसिलिटीज अवेलेबल है, जैसे पार्किंग स्पेस, सिक्योर एनवायरनमेंट विद सेफ्टी फीचर्स, पावर बैकअप, वाटर स्टोरेज और भी बहुत कुछ। आने वाले समय में इस एरिया में होने वाले डेवलपमेंट का यह होगा एक अहम हिस्सा। तो देर किस बात की, आज ही बुकिंग करें और अपने बिजनेस को दे एक नई उड़ान। हमारा एड्रेस है नियर आसनसोल रेलवे स्टेशन, पायल मल्टी प्लाजा, आसनसोल। में हो रही समस्या से पाना चाहते हैं जल्द छुटकारा, तो आज ही आए एक्सपर्ट डेंटल केयर। आसनसोल में खुले इस नए डेंटल क्लिनिक में BDS ओरल एंड कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर गजनफर रब्बानी एवं अन्य एक्सपीरियंस डॉक्टर करेंगे दांत से जुड़ी समस्याओं का सटीक इलाज, ताकि आप मुस्कुरा सके जी खोल के। हमारा एड्रेस है नियर ओके रोड, ऑटो स्टैंड रेल पार, आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। यार एक बात पूछू? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है, बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत अट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटी दार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना, वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्लासी फर्नीचर, मोबाइल फर्नीचर, कंप्लीट बेडरूम सेट यानी कि डबल बेड, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल विद सिटिंग पाए सिर्फ ₹66,000 में। इसके अलावा सोफा, डाइनिंग टेबल और मैट्रेस भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। वी आर फर्स्ट एंड ओनली ऑथराइज्ड डीलर ऑफ स्प्रिंग फिट मैट्रेस इन आसनसोल। हम इस्तेमाल करते हैं प्रीमियम क्वालिटी के रॉ मटेरियल्स, जो है मजबूत और देता है आपको लग्जीरियस फील। लाइफ टाइम सर्विस फैसिलिटी, इजी EMI के साथ पाए अन्य सुविधा। इस फेस्टिव सीजन हमारे यहाँ चल रहा है धमाकेदार ऑफर, 40% to 60% तक की पाए छूट। मोबाइल फर्नीचर, थर्ड फ्लोर, गैलेक्सी मॉल, आसनसोल। क्या आप हैं एडवेंचरस? तो आसनसोल का फेमस पैनोरमा एम्यूजमेंट पार्क है आपका अगला स्टॉपेज। वाटर राइड, स्टैचू पार्क, घोस्ट हाउस और लैंड गेम्स का मजा लेना हो तो पैनोरमा एम्यूजमेंट पार्क है लोगों की पसंदीदा चॉइस। इसके अलावा बेस्ट फैसिलिटीज के साथ क्लब एंड रिजॉर्ट भी यहाँ स्थित है। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस पार्क का जरूर लुत्फ उठाए। मिनिमम एंट्री फीस सिर्फ ₹100। एड्रेस है चौरंगी मोड, NH19, आसनसोल, चितंजन रोड, आसनसोल। नीड बेस्ड हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट विच इज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू ऑल बिकॉज योर हेल्थ इज आवर प्रायोरिटी। 100-bedded IPD यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल सर्विस विद फास्ट, फ्रेंडली, एक्यूरेट एंड अ हायर लेवल ऑफ केयर फॉर यू। हमारा पता है भगत सिंह मोड, आसनसोल, 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002।
666-6295-280-25। जब शहर में है दीवाने खास तो फंक्शंस होंगी और भी बेहतर। ट्रेन, जीटी रोड और बाईपास सब तरफ से है पास दीवाने खास। दीवाने खास को खास बनाती है यहाँ की डिफरेंट फैसिलिटीज। 8500 स्क्वायर फीट एरिया में फैले इस हॉल में ड्रिंकिंग वाटर, पावर बैकअप और 1000 स्क्वायर फीट वाले किचन समेत सारे सामानों की है सहूलियत। 2000 की कैपेसिटी और 250 लोगों की एक बैच में खाने का इंतजाम। एसी रूम्स विद अटैच बाथरूम, 3 एंट्रेंस, सीसीटीवी कैमरास भी है मौजूद। शादी हो या पार्टी, जरूर करें कांटेक्ट। हमारा पता है रेल पारो की रोड नियर ऑटो स्टैंड आसनसोल। এটা দেবরাত্রি এখানে থাকো আসা, তারপরে যাওয়াতে 16 দিন ছিলাম কলকাতা। এরকম ভাবে ধর্ণা দেওয়ার কারণটা কি স্যার? আমি একজন মানে পুরো ভারতবর্ষব্যাপী আমি আন্দোলন করি বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় মুদ্দা নিয়ে। তো এর আগেও এই বিষয়টা নিয়েই আমি বাঁকুড়া জেলায় আন্দোলন করেছি। 8 দিন ছিলাম সেখানে, 7 দিনের পারমিশন পেয়েছিলাম, তা সত্ত্বেও 1 দিন এক্সট্রা করেছিলাম। সেখানকার ডিএম মহাশয় খুবই মানে তার তপ্তি যতটা যেভাবে সম্ভব সমর্থন করেছিলেন, ঠিক আছে, তাই তাকে অশেষ ধন্যবাদ। আর এছাড়াও আমি এখান থেকে চলে গেছিলাম কর্ণাটকা স্টেট, সেখানেও প্রচার প্রসার করছিলাম, ভেবেছিলাম সেখানেও বসবো, কিন্তু সেখানে মানে এখন অনেক কিছু মানে এই ক্রিসমাস বলো না অনেক কিছু সেখানে প্রোগ্রাম আছে, তাই আমি সেখানকার সরকারকে ডিস্টার্ব করতে চাইলাম না, তাই ফিরে এলাম এই রাজ্যের মধ্যে। এখানে আবার 23টা জেলাতে এক এক করে বসার আমার মানে উদ্দেশ্য আছে আর কি। এবার দেখা যাক, একটা আর্থিক ইয়ে তো কষ্ট তো আসে, কারণ অনেক আন্দোলন করতে থাকি, ননস্টপভাবে করতেই থাকি আর কি দেশের স্বার্থে। এই যে শরীরটা এটা তো ছাই হয়ে যাবে মরে, কিছু তো দেশের কাজে লাগাই। দেখুন নিজীকরণ যে ব্যবস্থা, এই নিজীকরণ যদি লাগু হয় আমাদের দেশে, এটা আমাদের জন্য কিচ্ছু নয়, কারণ এটা যে পুঁজিপতিরা রয়েছেন না আমাদের দেশে, তাদের 5টা আঙুলে ঘিয়ের মধ্যে থাকবে। কিন্তু এই যে আমরা সাধারণ মানুষ, এই যে যুব সমাজ, এদের কি হবে? আমাদের যে ভবিষ্যৎ সুরী, তাদের কি হবে? তো আমরা হঠাৎ এরকম ভাবনা চিন্তা মাথায় কেন এলো স্যার? আমি বললাম যে আমি ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন মুদ্রা নিয়ে আমি আন্দোলনে বসি। আপনি দেখুন কন্যাকুমারী, চেন্নাই, পন্ডিচারি, ত্রিবন্ডরম, হায়দ্রাবাদ, ব্যাঙ্গালোর, বম্বে, গুজরাত, রাজস্থান, দিল্লি, কলকাতা, যেখানে বলবেন সেখানে আমি বসেছি আন্দোলনে বিভিন্ন মুদ্রা নিয়ে, রাষ্ট্রীয় মুদ্রা। কিন্তু যে সাধারণত যে মুদ্রাগুলো মানে কিছু কারণবশত হয়তো হতে পারে যে পলিটিক্যাল পার্টিরা তুলে ধরতে পারেন না, আমি সেই মুদ্রাগুলো সরকার সামনে তুলে ধরি, জনগণের সামনে তুলে ধরি। তো এখন মানুষের কতটা আপনি মানে সমর্থন পাচ্ছেন? স্যার আমি এটা এই জেলার মধ্যে মানে আজকে এর থেকে বসলাম আর কি, 7 দিনের প্রোগ্রাম আছে, দরকার পড়লে আমি এখানে ভোকরতালও করবো, দেখি কীভাবে সমর্থন করছেন সবাই। কিন্তু একটা কথা শুনে রাখুন, এই নিজীকরণ লাগু হলে এটা দরতে শুধুমাত্র ওই পুঁজিপতিদের 5টা আঙুলে ঘিয়ের মধ্যে থাকবে, কিন্তু সাধারণ মানুষ তাদের কি হবে না? তারা শুধু উৎপীড়ন, নির্যাতন, কষ্ট আর গোলামি ছাড়া কিচ্ছুই পাবে না। তাই আমি চাই, জনগণের কাছে চাই যে এবার যে 2024 লোকসভা নির্বাচন, সেই নির্বাচনে যারা এই নিজীকরণ মানে নীতির বিরুদ্ধে যারা কণ্ঠ, যারা আওয়াজ উঠান, সেই তাদেরকে পার্লামেন্ট, সেই সকল রাজনৈতিক দলকে মানে ভোট প্রদান করে সশক্ত করে পার্লামেন্টে পাঠান, এটাই আমার জনগণের কাছে আমার আবেদন বা আগ্রহ। আর সরকারের কাছে আমার এটাই একটা আমি জানাতে চাই যে নিজীকরণ, আমরা ভারতবাসী অতীতেও নিজীকরণের বিরুদ্ধে ছিলাম, আজও আছি আর ভবিষ্যতেও থাকব। জয় হিন্দ। এটা কি কোনো পার্টির তরফ থেকে আপনি করছেন? স্যার এটা নন পলিটিক্যাল পেপার বিষয়, এটা আমার দেশের বিষয়, এটা কাউকে না কাউকে তো আওয়াজ উঠাতেই হবে, তাই আমি আওয়াজ উঠিয়েছি। কেউ যদি চায়, যে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি যারা নিজীকরণের বিরুদ্ধে, তারা এগিয়ে আসতে পারেন আমার সমর্থনে। আমি চাই যে 2024 যে নির্বাচন, এতে আমাদের দেশের নারা
পরিবর্তন হয়ে জন সাধারণ জনগণের স্বার্থে নারা হোক। এবারে আমাদের দেশে ওই মোদী অনেক হলো, এবার সাধারণ জনগণের স্বার্থে এবার হোক কি সরকারি চাকরি জিন্দাবাদ আর রাষ্ট্রীয়করণ নীতি জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। আপনার নাম আর পরিচয়? আমার নাম অশ্বিনী কুমার সিংহ, অ্যান আইডিয়ালিস্ট সোশ্যাল রিফর্মার। অবরোধ করেছি, পুরো অবরোধ করিনি, কারণ আমরা মানুষের কষ্ট দুঃখ বুঝি। আর আজকে অবরোধ করেছি মানুষের জন্য, কারণ জামুরি আর মানুষ তারা বলছে এখান থেকে কয়লা চুরি হচ্ছে, এখান থেকে গাছ কাটা হচ্ছে, এখান থেকে অজয় নদীকে শেষ করে দেওয়া হচ্ছে বালি তুলে তুলে। আর হরেরাম সিং এখানকার টিএমসির বিধায়ক, উনি বলছেন বিজেপি সিন্ডিকেট চালায়। বারে বা সরকার আপনি চালাচ্ছেন, পুলিশ আপনার, প্রশাসন আপনার, আর সিন্ডিকেট আমরা চালাচ্ছি, আপনার দম থাকে তো নামগুলো বার করুন না। যারা বিজেপি সিন্ডিকেট চালাচ্ছে তার নাম বার করুন, সিবিআইকে দিন, পারবেন? আমরাও সব বুঝি হরেরাম সিংজি, সব টাকা পয়সার হিসেব, বকরার হিসেব আমরা বুঝি সব, কিন্তু আমরা এই চুরি হতে দেব না। এটা রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি, আমাদের এই আন্দোলন আরো বৃহত্তর জায়গায় যাবে। আজকে শুধু ট্রেলার দেখা তো স্বীকার করে নিয়েছেন, তাই জন্যই তো তিনি বলছেন সিন্ডিকেট চলছে, আর বিজেপি সিন্ডিকেট চালাচ্ছে, এটাই তো আমাদের হাসি পেল। সুতরাং এই টাকা পয়সার হিসেব বেশি বাইরে বের করবেন না হরেরাম সিংজি, এগুলো আমরা বুঝি। আর আপনি বড় বড় যে ডায়লগ পাচ্ছেন না আকাশে, ডায়লগগুলো মানবেন না, যদি ডায়লগ মারেন তাহলে প্রমাণ করে দেখান সিন্ডিকেট চালাচ্ছে কোন বিজেপি, নাম বের করুন, সিবিআইকে দিন, আমরাও দেখতে পারবো, দেখতে চাই, কিন্তু চুরি আপনাদের হতে দেব না। আর এই পুলিশ আর প্রশাসনকে সাবধান করে দিই, তিনটে রাজ্যে গেরুয়া এসেছে, 26-এর আগে এইখানেও গেরুয়াকরণ হয়ে যাবে, টাকা বদলাচ্ছে, সুতরাং সতর্ক হয়ে যাবে পুলিশ প্রশাসনকে বলবো। প্রত্যেকটা গাড়ি থেকে তারা টাকা তোলে, থানায় থানায় প্রত্যেকটা থানাতে তাদের টাকা পৌঁছয়। আজকে যে কাজটা পুলিশেরও করা উচিত ছিল আমরা কদিন আগে দেখলাম, সিআইএসএফ গিয়ে সেই কাজটা করছে, ট্রাক ধরছে। এখানে সরকারের স্টেট গভর্নমেন্টের জঙ্গলের ফরেস্ট অফিসিয়ালসরাও ইনভলভ, কারণ কি অজয় নদী থেকে বালিটা তুলে জঙ্গলের মধ্যে রাখা হচ্ছে, আজকে তুলে পালিয়ে বা পাঠানো হচ্ছে। আজকে গরিব মানুষরা হাতে প্রাণ নিয়ে তারা খৈনিতে ঢুকছে, তারা তাদের মৃত্যু হচ্ছে, পুলিশ জানে না? পুলিশ সব জানে, পুলিশের মধ্যে 100% ইনভলভ। যদি ইসিএল এর আধিকারিকরা না ইনভলভ হতো তাহলে ক্ষমতা থাকতো না এদের চুরি করা। ইসিএল এর আধিকারিকরাও ইনভলভ, পুলিশ ইনভলভ, প্রশাসন ইনভলভ, মমতা সরকারের বিধায়ক, মন্ত্রী, ক্যাডার সবাই। তাহলে নাজিন আজ কে লিয়ে বাস ইতনা হি, কাল ইসি ওয়াক্ত ইসি চ্যানেল পর फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। आसनसोल नगर निगम के तत्वधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा हमारा घर। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहां तहां ना फेंके, कौन सा कचरा कहां डालना है अच्छी तरह से समझना है, स्वयं जागरूक हो औरों को भी जागरूक करें, रिड्यूस रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू
इनका सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है।